आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ज्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपनी भूमिका निभाएं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रशासन द्वारा कई व्यवस्था की जा रही है ताकि वो भी वोट दे सकें। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके लिए प्रशासन तरह तरह की मतदाताओं को सुविधाएं भी दे रहा है। इसी तारतम्य में दिव्यांगों के लिए भी कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है प्रशासन की ओर से, ताकि वह अधिक से अधिक मतदान करें और देश को एक नए आयाम में गठित करने के लिए अपना योगदान देवे और जागरूकता फैलाएं। इस समय हमारे साथ इंदौर जिला प्रशासन के दिव्यांग आइकॉन पर्सन हमारे साथ हैं। ये हमें बताएंगे जागरूकता किस तरह ये जागरूक है और मतदान करने के लिए किस तरह दिव्यांगों को प्रेरित कर रहे हैं ये। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह प्रेरित करेंगे जागरूक मतदाताओं दिव्यांगों। सर, मेरा सभी से एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है कि भाई हम अपना जो मत है उसकी वैल्यू को पहले समझें, और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी चेंज हो हमारे आसपास या हमारे कंट्री में, तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और ये हमारा मतदान एक प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है, बट ये हमारी एक लोकतांत्रिक उसमें एक ड्यूटी भी होती है कि हम अपना वोट कास्ट करें, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो या दिव्यांग हो या महिला हो, हम सब एक हैं जब बात आती है मतदान की, बिकॉज ये हम सब का एक प्रकार से एक ड्यूटी, एक दायित्व है वोट कास्ट करना। सर, जैसे कि अभी आपने कुछ समय पहले एक मीटिंग में बताया था कि आपके मार्च करेंगे, तो क्या करना थी थोड़ा सा बताएंगे सर। जी, मैं सब जब 7 साल का था, 1977 की बात है, मैं किसी के घर गया था, वहाँ खेलते खेलते हाई टेंशन वायर के संपर्क में आ गया था, 11,000 वोल्ट की लाइन थी, तो मेरे दोनों हाथ जो हैं वो कंधे से फिर काटने पड़े क्योंकि जल गए। बट ये था कि मेरे जो माँ बाप हैं, खासकर जो मेरी माता जी हैं, उनने हार नहीं मानी और मेरे साथ उनने बहुत संघर्ष किया, तो मैं अब सारा कार्य जो है मैं अपने पाँव से करता हूँ, इंक्लूडिंग मैं अब इंडिया का पहला बगैर हाथ का ड्राइवर हूँ जिसको लाइसेंस भी गवर्नमेंट ने इशू किया है। ये 2016 में मुझे लाइसेंस दिया गया, तो मैं सारा कार्य जो एक साधारण व्यक्ति हाथ से करता है, मैं सारे काम पाँव से करता हूँ। तो सर, आप मतदान भी फिर पैर से करते? जी सर, मैं मतदान भी पैर से करता हूँ, और मैं जब से बालिक हुआ हूँ, जब से मैं वोटर की एज का हूँ, तब से मैं रेगुलरली वोट डालने जाता हूँ। एज आई सेड, मैं इसको अपना ड्यूटी समझता हूँ। प्रशासन वैसे बहुत सुविधाएं प्रोवाइड करता है, बट मेरा ऐसा कहना है कि सुविधा हो ना हो, हमें अपना जो वोट है उसे कास्ट करना एक हमारी मॉरल ड्यूटी है जिसको हमें फुलफिल करना है। ऑल्दो अभी जैसे मैं इस जो कमेटी का गठन किया है जिसका मैं सदस्य हूँ, उसमें हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं जिसमें दिव्यांग प्लस जो महिलाएं हैं, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन सब की सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे ऐसे हमने कदम उठाए हैं। जैसे उसमें से एक बहुत जो बड़ा कदम है, अगर किसी व्यक्ति को घर से आने में सुविधा नहीं है तो हम उनको घर से लेके मतदान केंद्र ला के वोट डाल के उनको वापस घर छोड़ के आने की भी हमने सुविधा रखी है। प्लस हमारे कुछ दिव्यांग मित्र के नाम से कुछ हमने वॉलंटियर्स रखे हैं जो दिव्यांगों को सुविधा मतलब मतदान केंद्र में वोट डलवाने में, तो ऐसे करके बहुत सारे प्रयास हैं प्रशासन ने जो किए हैं, जिससे मुझे तो भरोसा है कि मतदान का परसेंटेज बढ़ेगा। क्या लगता है सर, इस बार मतदान किस तरह का रहेगा और क्या परिवर्तन है? सब एज फार एज आई वुड से परसेंटेज इज कंसर्न, थोड़ा सा गर्मी का माहौल है तो एक थोड़ा सा उसका बहुत एक बड़ा योगदान रहेगा, बट फिर भी मेरा ऐसा विचार है कि जो विधानसभा का परसेंटेज है उससे तो बेहतर 100% होगा, बिकॉज इस बार आई थिंक वोटर्स जो है, खासकर सेंटर की बात जब आती है और राष्ट्र की बात आती है, तो बहुत सारे वोटर्स जो है उस पर फिर एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार का परसेंटेज डेफिनेटली बेटर होगा। सर, एक बार आखिरी क्वेश्चन एक बार और जानना चाहूँगा कि उन लोगों के लिए जो लोग वोट करने में अलस करते हैं या नहीं जाते हैं,
या कई लोग अपनी शक्ति में जैसे दिव्यांग होते हैं या नहीं पहुंच पाते, उनके लिए कुछ आप एक बार फिर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो सबको ये आग्रह, मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई देखिए, जैसे हम लोग घर बैठ के बहुत कई बार कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, और ऐसा है, वैसा है। अगर आपको सीरियसली कुछ करना है तो आपको वोट डालने आना ज़रूरी है, तो बस तभी एक प्रकार से आपकी जो बोलते हैं ना वॉइस है, आपकी आवाज़ तभी मतलब प्रशासन और गवर्नमेंट और उसके तक पहुँचेगी, जब आप अपने एटलीस्ट अपना जो एक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर आप फुलफिल करेंगे तो ही आप बोलते ना एक प्रकार से एक अच्छे नागरिक के तौर पर, तभी ये सब चेंजेस आ सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर बैठे रहेंगे तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई बदलाव ला सकेंगे आप। तो दिव्यांगों को भी, क्योंकि आपको शायद पता है या नहीं पता है, 3.5 से 4% जो पॉपुलेशन है वो दिव्यांग है, तो नेचुरली अगर हम चाहते हैं कि भाई हम दिव्यांगों की आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुंचे, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हम बाहर निकलें, अपने घरों से वोट डालें, तो दैट कम से कम हमारा जो एक होता ना एक लॉबी कहें या एक जो वोट बैंक है वो लोगों को समझ आए, और होपफुली दैट विल देन इम्प्रूव जो कंडीशन है।